अगर आप एक महिला है, घर पे रहती है और घर से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है जीरो इन्वेस्टमेंट के, तो आज मैं आपको 10 जी हां 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज देने जा रहा हूं जो आप घर से स्टार्ट कर सकती हैं अपने बिजनेस को जीरो इन्वेस्टमेंट, यानी एक पैसा एक कौड़ी नहीं लगेगी और बिजनेस चल निकलेगा। तो वीडियो आज बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसे कहीं स्किप मत करिए, क्योंकि एक सेकंड भी अगर आप वीडियो स्किप करिएगा तो आप पछताइएगा, क्या पता वो बिजनेस आइडिया निकल जाए फास्ट फॉरवर्ड करने में। ये वीडियो गौर से देखिएगा और मेरे बिजनेस आइडियाज आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट मुझे हिम्मत देता है कि मैं आप ऐसे वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और बताते हैं आपको 10 बिजनेस आइडियाज फॉर वुमेन विद जीरो इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला बिजनेस है सेलिंग क्लोथ्स का, यानी कपड़े बेचने का। अब ऐसे कई दुकानदार हैं जो ये चाहते हैं कि महिलाएं कपड़े सेल करें ताकि उनका बिजनेस ग्रो हो, तो ऐसे वक्त में आप साड़ी कुर्ती गाउन या फिर फ्रॉक कुछ भी बेच सकती हैं। इसके लिए आपको घर से कहीं बाहर निकलने की दरकार नहीं है, क्योंकि दुकानदार खुद आपको कपड़े दे के जाएंगे, पूरे सैंपल दे के जाएंगे, आप इन्हें बेचिए, इसके बाद जो मुनाफा होगा उसमें से दुकानदार के पैसे दे दीजिए। अब आप सोचेंगी कि मैं बेचूंगी किसको यार, मेरे ग्राहक कौन होंगे, मैं तो घर पे बैठी हूँ। बहुत सिंपल है, आपके ग्राहक आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आपके दोस्त हैं, अगर आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनकी भी मदर्स हैं, उनसे तो आपकी फ्रेंडशिप होगी होगी। तो आपका जो सर्कल है, आपकी जो सोसाइटी है, ये आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, इनका यूज करिए, घर से बाहर मत निकलिए। व्हाट्सएप पे इनको मैसेजेस करके देखिए, भाई ये नया कपड़ा आया, अगर आपको खरीदना है तो बताइए, मैं सैंपल भेज देती हूँ, पसंद है तो ले लीजिए, हो गया काम। और पैसे तो आने आने, क्योंकि सब जान पहचान के हैं, पैसे कहीं जा रहे नहीं, तो घर बैठे बैठे पैसे भी कमा लीजिए, दुकानदार को भी दे दीजिए और खुद भी मुनाफा कमा लीजिए। ये तो वही बात हुई, रंग लगे ना फिटकरी और रंग चोखाई चोखा, सही कहा ना। खैर, मैं ऐसे एक दुकानदार को जानता हूं जो कोलकाता में, जो घर में आके आपको कपड़े दे के जाते हैं ताकि आप इसे सेल कर सकें। उनका नाम मोहम्मद जिशान है और उनका नंबर मेरी स्क्रीन पर दिया गया है, अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो जरूर करिए और ऐसे ही घर बैठे बैठे क्लोथ सेल करिए और बिजनेस बढ़ाइए और मुनाफा कमाइए। चलिए सेकंड बिजनेस की तरफ जाते हैं और ये सेकंड बिजनेस है फूड का, खाना बनाने का। आज के समय में ज्यादा से ज्यादा लोग घर के बाहर रहते हैं, लोग दूसरे शहरों में रहते हैं, नौकरी करते हैं, वो क्या चीज को मिस करते हैं? हाँ, माँ के प्यार को मिस करते हैं, मुझे पता है, ये मत बोलना। इसके साथ साथ वो एक चीज और मिस करते हैं जो होता है खाना, उन्हें घर का खाना नहीं मिलता है। अरे घर का खाना उन्हें सप्लाई करिए, आपके घर में आप जो खाना बनाती हैं थोड़ा ज्यादा बनाइए उस क्वांटिटी को, उसे सप्लाई करिए ताकि उनको घर का खाना मिल जाए और आपको उनकी जेब का पैसा। कैसा रहा? इसमें कुछ नहीं करना है, आपको डिलीवरी बॉय रखना है जो जाके वहां सप्लाई करेगा और इसके साथ साथ आपको मुनाफा मिलेगा। अब डिलीवरी बॉय को थोड़ी सैलरी देनी है, जो पैसा उनसे कमाएंगी, जो आप सेल कर रही है फूड उनको उसमें से दे दीजिएगा। घर से बाहर कहां निकले, इन्वेस्टमेंट क्या हुई? जीरो। देखिए दो बिजनेस आइडिया बता चुका बिना इन्वेस्टमेंट के। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे बिजनेस आइडिया की ओर, ये भी धमाकेदार होने वाला है। अब बोलेंगे यार ये क्या है, ये क्या है, अरे ये क्या है, ये लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी है। अरे भाई साहब, मैं जैसे बताया कि आजकल बहुत सारे लोग शहरों के बाहर रहते हैं, वैसे बहुत सारे माता पिता हैं तो जो लोग जॉब्स करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को संभाल पाए, छोटे छोटे बच्चों को उनकी देखरेख पर कर पाए। तो डे होम केयर सेंटर खोलिए, जहां पर आप बच्चों को रखिए और ये बच्चे आपका मन तो लगा ही देंगे हैं करके, इसके साथ साथ आपके लिए मुनाफे का एक सोर्स भी बन जाएंगे, इनकम का सोर्स भी बन जाएंगे। अपने घर में जगह है तो ये बिजनेस करिए आप, इसमें भी अच्छा मुनाफा है, थोड़ा सोशल मीडिया में प्रमोशन करिए, लोग भागते 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 दौड़ते दौड़ते आपकी तरफ आएंगे और बिजनेस आपका चल निकलेगा। तो ये रहा मेरा तीसरा बिजनेस आइडिया। अब चलते हैं चौथे बिजनेस आइडिया की तरफ। चौथा बिजनेस आइडिया है मेकअप आर्टिस्ट का। अगर आपके पास हुनर है, अगर आप मेकअप कर सकती हैं, दूसरे के चेहरे को सुंदर बना सकती है, मेरा चेहरा कैसा है कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आप दूसरे के चेहरे को सुंदर बना सकती है, कुछ पोछ सकती है, तो ये बिजनेस आप कर सकती है। इसमें कुछ खर्च भी नहीं है, मेकअप आर्टिस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड, आपको पता है जाकर, तो ब्राइडल मेकअप, शादियों में मेकअप, पार्टी में मेकअप, पता नहीं क्या क्या कितने तरीके मेकअप होते हैं, तो ये सारे मेकअप करके इसमें बिजनेस बहुत ज्यादा है। और ये मुझे लगता है ये बिजनेस जो है वो 12 महीने चलता है, इसमें भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है? जीरो। देखिए अगर आपको ये चार बिजनेस आइडिया पसंद आ गए हो तो एक कमेंट जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए अब बढ़ते हैं पांचवें बिजनेस आइडिया की तरफ और वो है ऑनलाइन बेकरी। ऑनलाइन बेकरी ये क्या? अरे इसमें केक्स पेस्ट्रीज आप बनाइए ऑनलाइन लोगों को, ये नहीं कि आप उसको बेचिए सिर्फ, उसको तो बेचिए जरूर घर में, अगर आप बना रही तो लोग घर से आपके लिए स्वादिष्ट ऑनलाइन केक्स और पेस्ट्रीज का ऑर्डर करेंगे, आपके मोहल्ले वाले ऑर्डर करेंगे और इसे लेके जाएंगे, वो तो है ही, वो है,
इसके साथ साथ लोगों को ऑनलाइन भी आप सिखा सकती है कि कैसे आपको केक्स बनाने हैं, कैसे पेस्ट्रीज बनानी है और पता नहीं क्या क्या जो भी है सब कन्फेक्शनरीज में जो भी आता है केक्स में, ये सब आप बनाना सिखा सकती हैं लोगों को। इसके साथ साथ घर में हैं तो फिजिकल क्लासेस भी ले लीजिए और मुनाफा ही मुनाफा कमाइए। 5 बिजनेस आइडिया दे चुका जीरो इन्वेस्टमेंट का, अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो क्योंकि हम आगे धरल्ले से बढ़ रहे हैं। इसके बाद मैं देता हूँ छठवां आइडिया जो और भी धमाकेदार है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, किसी चीज में आप एक्सपर्ट हैं तो ट्यूशंस दीजिए लोगों को, बच्चों को ट्यूशंस दीजिए, घर में ट्यूशंस दीजिए, फिजिकल ट्यूशंस दीजिए, ऑनलाइन ट्यूशंस दीजिए, कमाई ही कमाई है, कहीं जाने की दरकार नहीं है। अगर आप लोगों को ट्यूशंस देते हो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट लगती है आपकी क्या? नहीं लगती ना, तो ये भी धंधा जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया जा सकता है। मैं बिजनेस इसलिए बोल रहा हूँ, धंधा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल एजुकेशन भी धंधा है। आपको पता है कि बच्चों को पढ़ाने में आजकल कितनी फीस लगती है, महीने कितना खर्च है। तो गए वो दिन जब एजुकेशन एक मिशन था और अब एजुकेशन एक बिजनेस है। इस बात को अगर आप मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए। जो सातवां बिजनेस आइडिया है वो है फिटनेस सेंटर का। आज के दौर में दोस्तों ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य लाइफस्टाइल बीमारियां हर घर में है। ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो इस बीमारियों के शिकार हैं। तो अगर आप एक फिटनेस सेंटर खोल सकती हैं जहां पर आप लोगों को एडवाइस कर सकती हैं, सजेशंस दे सकती हैं, चार्ट बना सकती हैं कैसे आप हेल्दी रह पाएं, सुरक्षित रह पाएं, सेफ रह पाएं और अपने आप को तंदुरुस्त रख पाएं, तो ये बिजनेस भी आप कर सकती हैं। अगर आपको इस बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मिस योगिता मंध्यान कोलकाता से हैं जो फिटनेस सेंटर चलाती हैं और ऑनलाइन में भी लोगों को बताती हैं कि किस तरीके से वो फिट रह सके। यानी ये बिजनेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। अगर आप इस बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो मिस योगिता मंध्यान को कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। तो देखिए ना, मैं ना केवल मैं आपको बिजनेस आइडियाज बता रहा हूं बल्कि उन लोगों से भी कनेक्ट कर रहा हूं जो आपको इस बिजनेस से मदद कर सकते हैं। तो ये वीडियो कितना प्रॉफिटेबल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। चलिए सब्सक्राइब करिए और बढ़ते हैं अब अपने आठवें आइडिया की तरफ। और वो आइडिया है इमेज कंसल्टेंट का। आप बोले यार ये इमेज कंसल्टेंट ये कौन सा बिजनेस है? अरे ये बहुत थाकड़ बिजनेस और आज के टाइम में तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। अब कई महिलाएं बड़ी इमेज कॉन्शियस होती हैं, उन्हें ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो कौन सा कपड़ा पहने, कब पहने, कौन सी ड्रेस पहने जो उन्हें अच्छी लगे, जो उन पर जचे। जब पार्टियों में जाए तो कौन सा पहने, जब वो कहाँ जाए शादियों में जाए, जी हाँ शादियों में जाए तो कौन सा पहने और बाकी कहाँ कहाँ जाए तो कौन सा पहने। इमेज कंसल्टेंट का बिजनेस भी है जो आप कर सकती हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है? जीरो इन्वेस्टमेंट है। सोचिए 8 बिजनेस आइडिया अब तक हो चुके हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट आपका जीरो है। जो नौवां बिजनेस आइडिया आपको देने जा रहा हूं वो है फैशन डिजाइनर का। अगर आप फैशन कपड़े डिजाइन कर सकती हैं, कपड़े को सी सकती हैं, डिजाइन कर सकती हैं, फिर बात ही क्या, फैशन डिजाइनर बन जाइए। दोस्तों को बता दीजिए कि आप फैशन डिजाइनर हैं, कोई कपड़े सिलवाने हो तो आपके पास आए, भागे भागे दौड़े दौड़े आएंगे लोग। इन्वेस्टमेंट क्या है, यहाँ पे भी जीरो और धंधा चोखा ही चोखा। ये बिजनेस भी आप कर सकती हैं, ये भी एक अच्छा बिजनेस। तो 9 बिजनेस आइडियाज आपको दे चुका हूं और अब दूंगा आपको लास्ट 10वां बिजनेस आइडिया। और ये बिजनेस आइडिया डिजिटल मार्केटिंग का। जब मैंने आपको इतने सारे आइडियाज में बोला कि आप सोशल मीडिया में प्रमोट करिए, बिजनेस बढ़ाइए, यानी सोशल मीडिया प्रमोशन भी बहुत अच्छा बिजनेस है क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग जानती हैं तो फिर तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं क्योंकि अब डिजिटल मार्केटिंग ग्रो हो रहा है, इसकी काफी डिमांड है। हर कंपनी को डिजिटल मार्केटर्स चाहिए जो उनके लिए एड्स चला पाए, उनके फेसबुक पेज को मेंटेन कर पाए, उनके इंस्टाग्राम पेज को मेंटेन कर पाए। और इसके लिए जाना कहाँ है? कहीं भी नहीं जाना है, घर पे रहना है, धंधा करना है, पैसा कमाना है। इन्वेस्टमेंट यहां भी क्या है? जीरो है। सोचिए 10 के 10 बिजनेस आइडियाज आपको दे दिए जो बिना एक रुपए के स्टार्ट किए जा सकते हैं। और इसमें हिंग लगे ना फिट करी रंग चोखा ही चोखा, पहली बार शायद गलत बोल गया था, अब सही बोला है। तो ये 10 बिजनेस आइडियाज आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बताइए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दिए क्योंकि मैं ऐसे ही भयंकर मतलब अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो, आपको कामयाबी मिले और ये देखकर हमें भी खुशी मिले। चलिए मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, दीजिए मुझे इजाजत।